मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अगेन माय व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 7 बजे से कर रही हूँ, देखते हम दिन भर क्या काम करते हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो गाइज मैंने लंच बना दिया है और मैं भी खेत को आई हूँ। तो हर्ष जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एप्पल की थिनिंग, क्योंकि जो एप्पल में कलम की होती है और उसमें जो एप्पल लगता है तो उसकी वजह से जो वो कलम होती है वो खुद की ग्रोथ नहीं ले पाती, तो फिर उसमें कलम में जितने भी एप्पल लगे उनकी कटिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं वो दिखाती हूँ। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, इतने ज्यादा सेब काट रहा है, मतलब इतने इतने छोटे छोटे दाने लगे और मेरे को ना देख के बहुत दुख हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि आप ये करके आ रहे हो कि मैं कल में खाली कर रहा हूँ, तभी तो कल में स्ट्रांग बनेगी जब इसमें अभी हम थिनिंग करते रहेंगे और कल में ग्रो होएगी। लास्ट में जाके जब उसमें फुल फसल लगेगी तब हम फसल लेंगे, जब इसकी फुल ग्रोथ हो जाएगी तभी हम फसल लेंगे। और इसलिए अभी इसमें इस कलम में जितने भी फ्रूट लगे हैं ना, जितने भी एप्पल लगे वो सब कट रहे। आपको मैं नीचे दिखाती हूँ, तो गाइज मेरे सामने आप ये पेड़ भी देख सकते हैं, इसमें जितनी भी कलम करी है सारी सक्सेस हो चुकी है। आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, ये कलम देख सकते हैं, ये है गाला डार्क बैरन, और एक ये वाली कलम थी ये भी सक्सेस हो चुकी है, और एक ये वाली कलम थी ये भी सक्सेस हो चुकी है, इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है। एक ये वाली कलम ये भी सक्सेस है, ये वाली भी सक्सेस है, बट इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है ना ये सक्सेस नहीं होगी अभी, जब तक ये कलम बिल्कुल यूं ना हो जाए ना, पूरा ये ना पकड़ ले तब तक इसे फसल नहीं लेंगे, क्योंकि फिर जब इतने सारे दाने लगेंगे ना तो ये टूट जाएगा। दैट्स व्हाई कि जो अभी कल में खाली कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं एप्पल की थिनिंग और मैं चलती हूँ ऊपर, अंकल और क्या काम कर रहे हैं। अंदर से कुछ इस तरह का गोबर का लेप इन्होंने दे दिया है और अब ये बाहर दे रहे हैं, बस इतना सा बचा हुआ है। बोल जाता कुछ नहीं है बेचारी भाभी, तो ये है हमारे अंकल जी। अंकल जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे बगीचे में रह के, कितना टाइम हो गया? बगीचे में तो 6-8 साल हो गई। और परे वाले बगीचे में कितने साल थे आप? परे वाले बगीचे में थे 10-12 साल। 10-12 साल हुआ हुई मेरे को, हो गई सारी बगीचे में ही आ रहा परे 20-25 साल। नहीं चलेगा पूरे जान दिया। क्या बोलते हैं अंकल जिसको अपने भाषा में? इसको बोलते हैं गारा लगाना। हाँ गारा तो लगा दिया, ये इसमें वो कर रहे हैं क्या कहते हैं, गोबरानी। गोबरानी हाँ इसको बोलते हैं गोबरानी, गारा उसको बोलते थे। हाँ, जो ये पहले लगाया हुआ। हाँ, मिक्स करके गोबरानी दे रहे हैं हमारे इसमें पीछे ना, ये जो गोबर इसकी पोकड़ाई खींचेगा मिट्टी की। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे ना गाइज घर भी मतलब पत्थर की चिनाई करते हैं ना, और बीच में उसमें ये लकड़ डालते हैं जैसा आप इसमें भी देख रहे होगे, फिर उसके बाद इसमें ये गारा लगाते हैं मिट्टी और गोबर को मिक्स करके, उसके बाद फिर ये गोबर का लेप लगाते हैं। तो मैक्सिमम गांव में अपर एचपी में या अब मैक्सिमम जगह हर कोई अब इको फ्रेंडली घर प्रेफर करता है, क्योंकि गर्मियों में ये ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं।
तो गाइज आज भी अंकल अपना काम जारी रख रहे हैं, जो ये काम बचा हुआ था तो अंकल अपना ये काम खत्म करेंगे आज। आज अंकल हो जाएगा खत्म, हो जाएगा। जो आप ही लगा रहे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गारा, ये क्या कहते हैं, गोबरानी। हाँ, गोबरानी लगा रहे हम इसमें, इसको गोबरानी बोलते हैं। और कल बोले गया था, बोलो क्या कहते हैं। हाँ, कल लगाया था गारा, आज इसमें लगा रहे गोबरानी, और आज गोबरानी लगा के भी खत्म हो जाएगा और हमारे गाय का कमरा फिर रेडी हो जाएगा। तो गाइज आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं और हम अपना काम जारी रखते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो ऐसी पहाड़ी लाइफस्टाइल की वीडियो है ना, वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। के चैनल को सब्सक्राइब करे, बोलो क्या बोला? रमा के चैनल को सब्सक्राइब करे। क्या बोला? सब्सक्राइब करे। सब बोलो, सब्सक्राइब करे। हाँ, सब्सक्राइब करे, इकट्ठा बोलो अब। सब्सक्राइब करे। हाँ, सब्सक्राइब करे गाइस। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तो भाई वीडियो कौन रहा हमारा।